तो देखो इस सीरीज में अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये बच्चों एवरेज एटॉमिक मास से पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है वैसे तो, क्वेश्चन समझ लो, परसेंटेज अबंडेंस आपको दी हुई है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ आयरन। आयरन जो एलिमेंट होता है बच्चों, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है आयरन एलिमेंट, इसकी परसेंटेज अबंडेंस 3 आइसोटोप्स की दी हुई है। आयरन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, Fe, 3 आइसोटोप्स ऑफ Fe। अब कौन कौन से आइसोटोप हैं, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास 26 Fe54, ओके, सेकंड है हमारे पास 26 Fe56, ओके, और थर्ड है हमारे पास 26 Fe57, ओके, और ऑफ दीज आइसोटोप Fe आर रेस्पेक्टिवली कितनी है, मतलब पहले वाले की देखो बच्चों 5%, ठीक है, दूसरे वाले की परसेंटेज अबंडेंस हमें दी हुई है 95%, और तीसरे वाले की 5%, तीनों की मिला के 100% हो जानी चाहिए, सॉरी इसकी 90%, तीनों की मिला के 100% हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा अबंडेंस इसकी होती है नेचर में। इसका ये मतलब है कि अगर एक सैंपल हो ना बच्चों, इस सैंपल में Fe पड़ा हुआ है और Fe के 100 एटम है, मैं रेंडमली अगर Fe निकालूँ इसमें से तो 90 बार Fe ये वाला निकलेगा, 56 Fe56, ये वाला आइसोटोप सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप होता है आयरन का, इसलिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसकी होती है, 90 एटम्स इसके निकलेंगे, 5 एटम इसके और 5 एटम इसके निकलेंगे, समझ में आई कहानी आपको, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इस Fe के 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, इनकी परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है, तो Fe का एवरेज एटॉमिक मास बताना है, मतलब Fe का जो एटॉमिक मास हम लेके चलेंगे ना भाई, Fe का एटॉमिक मास हम 54 लेके चलेंगे, 56 लेके चलेंगे, 57 लेके चलेंगे, ठीक है, तीनों ही नहीं लेके चलेंगे, तीनों का एवरेज लेके चलेंगे, देन फाइंड एवरेज अटोमिक मास ऑफ Fe। ऑप्शन है इसमें A 55.20, ऑप्शन B 55.95, ऑप्शन C 56.20 और ऑप्शन D 54.10। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जरा चेक करो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो बच्चों जब भी एवरेज एटॉमिक मास पूछे तो आप मैथमेटिक्स का एवरेज यूज मत कर लेना। मैथमेटिक्स में जैसे अपन एवरेज करते हैं ना, तीन आइसोटोप्स का मास 54, 56, 57 दिया हुआ है, उनको जोड़ा, 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पर पंजा परसेंटेज अबंडेंस का होता है। एक्चुअली परसेंटेज अबंडेंस एक की बहुत, दोनों की बहुत कम है, एक की बहुत ज़्यादा है, तो जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो इसके क्लोज आएगा सेकंड वाले के, मतलब इसके ज़्यादा क्लोज है, लेकिन अब एग्जैक्टली कितना आएगा, क्योंकि इसके क्लोज तो ये भी है और ये भी है, ये दोनों वैल्यू बहुत क्लोज है 56 के, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर आ जाओ, दोनों में से आया आंसर तो ये तो आ नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा परसेंटेज अबंडेंस वाले आइसोटोप से दूर है। तो देखो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, आपको याद रखना है, जब भी आपको आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस दी हुई हो और फिर एवरेज निकलवा एटॉमिक मास की, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप, हर एक आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस लिखा, अपॉन किया 100, ठीक है, और इनटू लिख कर दिया उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब जो ये मास नंबर दिया हुआ है ना ये, ठीक है, क्लियर है, बोलो। अब यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, भी पहला आइसोटोप कौन सा है, Fe 26 54, और साइड में इसकी परसेंटेज अबंडेंस भी लिख देते हैं, ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस कितनी है इसकी, देखो चेक करो, 5%,
तो ये वाला डेटा यूज करना है अपन को, और ये 54 यूज करना है एटॉमिक मास। बच्चों सेकंड वाला आइसोटोप है इसका 26, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है चेक करो, 90%, ठीक है। और जो थर्ड वाला है वो है 26 Fe 57, और बच्चों इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, 5%। ओके, तो फॉर्मूला लगा एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा आयरन का, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप देखो चेक करो, 5/100, ओके, इनटू एटॉमिक मास कितना है इसका, 54 फर्स्ट वाले। ओके चलो नाउ ऐड कर दो। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, 90/100 इनटू एटॉमिक मास कितना है, 56। प्लस थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाले का परसेंटेज अबंडेंस 5/100 इनटू 57। सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0.05 इनटू 54 प्लस 0.09 इनटू 56, सॉरी 0.9 इंटू 56 प्लस 0.05 इंटू 57। सॉल्व करके ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा इसका 55.95। ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, IIT JEE 2009। नोट कर लो।